वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बाजू में दिखने वाली घंटे को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। 15 से 20 हज़ार रुपए के अंदर जबरदस्त स्मार्टफोन, वो भी 5G वाली स्मार्टफोन्स अगर आप यूज करना पसंद करती हो तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अक्सर स्मार्टफोन में अच्छी खासी रैम और इंटरनल स्टोरेज के साथ साथ अच्छी प्रोसेसर भी होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ कितने एमएएच के बैटरी परफॉर्मेंस है, कैमरा क्वालिटी में कौन सा सेंसर दिया जा रहा है और स्क्रीन की ब्राइटनेस के साथ साथ स्क्रीन की क्वालिटी में क्या कुछ नया है, इतने सारे फीचर्स रहे अच्छे खासे स्मार्टफोन की लिस्ट आपके लिए हम तैयार करके आ चुके हैं। तो बिना देरी की वीडियो शुरुआत करते हैं। पहली स्मार्टफोन Xiaomi तरफ से आने वाला Xiaomi Redmi Note 10T 5G, 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन आएगा। Dimensity 700 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन आपको हैंड्स ऑन हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग बैटरी परफॉर्मेंस यानी कि 5000 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस के साथ 18V की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ये स्मार्टफोन में दी जा रही है। कैमरा क्वालिटी में Xiaomi की हर एक स्मार्टफोन अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है। प्राइस रेंज के हिसाब से वैसे ये स्मार्टफोन के अंदर 48+2+2 मेगापिक्सल की ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी स्नैपर। आप लोग एक्सपांड के नीचे सुविधा दी जाएगी, अप टू 1 TB तक अलग से माइक्रो एसडी कार्ड आपको लगाना होगा। तो फाइनली 5000 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस स्मार्टफोन में दिया जा रहा है। एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाएगा, पर आपको अपग्रेड करना होगा। दूसरी स्मार्टफोन यहाँ पर निकल कर आती है Xiaomi की पेरेंट कंपनी यानी कि पोको M4 प्रो 5G वेरिएंट। ये स्मार्टफोन भी 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ अवेलेबल हो जाएगा, पर ये स्मार्टफोन के अंदर Dimensity 810 वाली 5G चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगी, जो कंपेयर टू Redmi Note 10T काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस स्मार्टफोन में मिलने वाला है। और साथ ही साथ 5000 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस, 33V की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 6.6 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले, 90Hz के साथ पंच होल कैमरा वाला सिस्टम होने वाला है। बैक साइड में डुअल रियर कैमरा सेटअप दी जाएगी जो 50+8 मेगापिक्सल की होगी। सेल्फी में काफी धासु सेल्फी आप कह सकते हो क्योंकि 16 मेगापिक्सल की सेल्फी स्नैपर दिया जा रहा है। यहाँ पर थर्ड स्मार्टफोन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, Realme की तरफ से आने वाला Realme 9i 5G। Dimensity 810 5G वाला चिपसेट ही होगा, पर यहाँ पर बेस वेरिएंट 4GB रैम, 64GB स्टोरेज से शुरुआत होगा। 5000 mAh के बैटरी परफॉर्मेंस, 18V की फास्ट चार्जिंग, 6.6 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले और 90Hz की पंच होल कैमरा। यहाँ पर कैमरा में हमको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा जो 50+2+2 मेगापिक्सल की होगी। यहाँ पर फ्रंट सेल्फी में 8MP की पंच होल सेल्फी कैमरा मिल जाएगी। तीनों स्मार्टफोन में से अब तक आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया आप लोग मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हो। तो फाइनल वेरिएंट की अगर बात करें तो Motorola G62 5G स्मार्टफोन, ये नाम में कितना बड़ा है वैसे परफॉर्मेंस में भी काफी अच्छा खासा है कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 695 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल रहा है जो स्पीड 2.2 GHz के ऊपर होगा। 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के ऊपर ये स्मार्टफोन आएगा। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगी, 5000 mAh बैटरी परफॉर्मेंस इनबिल्ट स्मार्टफोन में होगा और 6.55 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले होगी। सबसे अच्छी बात 120Hz की रिफ्रेश रेट इस स्मार्टफोन में मिलने वाली है। पंच होल सेल्फी कैमरा में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी कैमरा होगी। बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दी जाएगी जो 15+8+2 मेगापिक्सल की होने वाली है। यहाँ पर अच्छी बात आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे तरफ से 4 स्मार्टफोन, 5th स्मार्टफोन कौन सी होनी चाहिए आप लोग मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। तो दोस्तों वीडियो जरा से भी पसंद आती है इस वीडियो को एक लाइक कर दो, फ्रेंड्स को देखने के लिए शेयर कर दो। मैं मिलता हूं आपको और एक वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।